नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। कर्नाटक के एक पत्रकार नूरुद्दीन आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। हिंदुस्तान समाचार से वे कर्नाटक से जुड़े हैं और अभी 4 माह से उन्हें वेतन भी नहीं मिला है। उन्हें ऑपरेशन कराना है मगर हाथ में पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं, इस समय मेरा परिवार मुश्किल दौर में है, ऐसे में आपसे गुजारिश है कि मेरी मदद कीजिए। लॉकडाउन ने मेरी समस्या को और बढ़ा दिया है। हिंदी पत्रकार नूरुद्दीन रहमान बताते हैं, मेरे दिल के एक वॉल्व ने पिछले 3 माह से काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते जल्द ही सर्जरी से इस वॉल्व का रिप्लेसमेंट होना है। मेरे परिवार में पत्नी के साथ 4 बच्चे शामिल हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रहने वाला हूं और 3 दशक पहले बेंगलुरु आया था और वहीं का होकर रह गया। स्थानीय हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका में करीब 16 साल काम किया। इसके अलावा अन्य संस्थानों में भी सेवा दी है। हृदय की शल्य चिकित्सा और इसके बाद होने वाला खर्च करीब 3 लाख रुपए है, जो वर्तमान में देने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार वॉल्व का रिप्लेसमेंट जरूरी है। मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सर्जरी कराने के लिए आप लोगों से मुझे आर्थिक मदद की सहायता चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9314956994 9314956994। तो आप इस पत्रकार की सहायता कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप उनको अपनी सहायता प्रदान दे सकते हैं। वहीं अगली खबर, किसानों की स्थिति को देखकर दुखी एक जाने पहचाने संत ने सुसाइड कर लिया। सिंधु बॉर्डर पर धरने में शामिल जिस संत ने गोली मारकर अपनी जान ली, उनका नाम संत बाबा राम सिंह है। 65 वर्षीय बाबा राम सिंह हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे। बताया जाता है कि हरियाणा और पंजाब के अलावा दुनिया भर में उनके लाखों संख्या में अनुयायी हैं। वो कई सिख संगठनों में भी अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। संत बाबा राम सिंह धार्मिक उपदेशक के साथ साथ किसान भी थे। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर थे और किसानों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे। किसानों के लिए उन्होंने शिविर भी लगवाया, कंबल आदि भी बांटे। संत बाबा राम सिंह का डेरा करनाल जिले में सिंगड़ा गांव में है। वो सिंगड़ा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। संत बाबा राम सिंह के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा है कि किसानों का दुख देखा जो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं। आगे लिखा गया है कि सरकार किसानों को न्याय नहीं दे रही है, जुल्म कर रही है, जो कि पाप है। साथ ही जुल्म सहना भी पाप है। सुसाइड नोट में आगे लिखा है, किसी ने किसानों के हक में सम्मान वापस किए, यह जुल्म के खिलाफ आवाज़ है। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि 3 कृषि कानून से देश व प्रदेश की किसान आड़ती व मजदूर बर्बाद हो जाएगा। जब किसान कृषि कानून लागू करने की मांग नहीं कर रहा है, तो सरकार जबरन कृषि कानून को किसानों पर क्यों थोपने में लगी हुई है? जबकि 3 कृषि कानून से देश में जमाखोरी बढ़ेगी और बड़ी बड़ी कंपनियां जरूरत का सामान व अनाज का भारी भरकम स्टॉक जमा करके मोटा मुनाफा कमाकर अनाज व जरूरत का सामान बेचेंगे। इससे देश व प्रदेश में हर जरूरत का सामान महंगा हो जाएगा और पहले से ही कई गुना महंगाई बढ़ेगी। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने चहेते अंबानी व अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून लागू किए हैं, ताकि खुदरा सामान व अनाज के व्यापार पर अंबानी और अडानी का कब्जा हो जाए और हर जरूरत के सामान पर देश व प्रदेश में बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। जबकि कृषि कानून में बड़ी बड़ी कंपनियां खेतों में ही एडवांस में किसानों को अनाज औने पौने दामों में खरीदेगी और प्राइवेट मंडियां बनाने से सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। इससे किसान व आढ़ती दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जब सरकार मंडियां ही बंद हो जाएंगी, तो किसान की फसल MSP रेटों पर कौन खरीदेगा?
प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सब्जी, फल, किराना व खुदरा सामान के साथ साथ अनाज अंबानी व अडानी बेचेंगे तो लाखों करोड़ों छोटे छोटे व्यापारी जो हर खुदरा व्यापार करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वे लाखों करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे और छोटे छोटे करोड़ों व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। वहीं आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से झूठ बोलने के लिए दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर कच्छ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि दिल्ली की सीमाओं को चारों तरफ से घेरे आंदोलनकारी किसानों ने आंख मिलाकर सच बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। वे कच्छ गए और 245 किसानों के सामने आदतन एक बार फिर झूठे वादे किए। कल गोदी मीडिया एक का एक एंकर गला फाड़कर रिपोर्टर से पूछ रहा था कि किसानों के लिए मोदी ने क्या संदेश दिया, लेकिन न तो उस रिपोर्टर ने और न ही गोदी मीडिया में किसी ने भी यह जानने की जहमत उठाई कि वे 245 किसान कौन थे। इंडियन एक्सप्रेस ने कल ही छाप दिया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कच्छ में जिन 245 किसानों को इकट्ठा किया है उनकी जमीनों के रिकॉर्ड गुजरात सरकार ने बीते 10 साल से दबा रखे हैं। गुजरात सरकार का कहना है कि ये किसान राज्य में बाहर से आकर खेती कर रहे हैं जिनकी अनुमति नहीं है। गोदी मीडिया ने चतुराई से इस खबर को दबा दिया। नैरेटिव यह सेट किया गया कि आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की कमान अब मोदी ने अपने हाथों में ले ली। वहीं नए कृषि कानूनों के बाद मध्य प्रदेश की 259 मंडियों में से 70% को लकवा मार गया है। 47 मंडियों में बीते अक्टूबर में कोई कारोबार नहीं हुआ, जबकि 143 मंडियों में जून से अक्टूबर के बीच कारोबार 60-70% तक गिर गया है। बंद होने की कगार पर खड़ी 47 में से 10 मंडियां ग्वालियर और 7 इंदौर की संभाग की हैं। शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार को दोनों संभागों में वोट मिले और आज ये झूठा वादा करते नहीं हिचकिचाते कि नए कृषि कानूनों से एमएसपी पर असर नहीं पड़ेगा और मंडियों का कामकाज चलता रहेगा। जब मंडियां ही बंद हो जाएंगी तो शिवराज क्या किसानों को अपने घर बुलाकर एमएसपी देंगे? दूसरी ओर मोदी और उनकी सेना देश भर में जगह जगह झूठ पर झूठ बोले जा रही है। झूठ के पांव कहां होते हैं? अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं लिया है तो इसके लिए आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इस स्कीम की डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस स्कीम के तहत सरकार घर खरीदने वालों को भारी छूट का फायदा देती है। इसमें ब्याज के रूप में ग्राहकों को लाखों रुपए का फायदा मिलता है। अगर आपने भी इस योजना के लिए अप्लाई किया है तो आप आसानी से घर बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं। सरकार की ओर से इस स्कीम के लिए 4 तरह की कैटेगरियां तैयार की गई हैं। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, लोअर इनकम ग्रुप LIG और मिडिल इनकम ग्रुप MIG2 है। 3-6 लाख EWS और LIG के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा 6-12 लाख MIG की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही 12-18 लाख वाले MIG2 की कैटेगरी में आते हैं। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों की पहचान करने के लिए कॉन्सेस 2011 गणना के आंकड़े लेती है। आइए जानते हैं कि किन ग्राहकों को मिलेगा इस योजना का फायदा। आपके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पहले से PM योजना में अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, किसी सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं ले रहे हों। वहीं अगली खबर, नया साल शुरू होने पर WhatsApp पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सपोर्ट बंद कर देता है और अब मैसेजिंग ऐप ने फिर से लिस्ट जारी की है। 1 जनवरी से WhatsApp कुछ पुराने एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन पर काम करना बंद कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से नीचे के स्मार्टफोन पर काम करने वाले स्मार्टफोन पर नहीं चलेगा। WhatsApp का सपोर्ट पेज यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जिससे कि वह सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकें। बताया गया कि WhatsApp के सारे फीचर इस्तेमाल करने के लिए iPhone यूजर्स को iOS 9
या उससे ऊपर और एंड्रॉयड यूजर के लिए 4.0.3 या उससे ऊपर का वर्जन इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए जानें कि किन फ़ोन में यह सपोर्ट करना बंद कर देगा। एप्पल के आईफोन 4, आईफोन 4S, आईफोन 5, आईफोन 5S, आईफोन 6 और आईफोन 6S को ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 9 से अपडेट करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजकल लोग पैसे किसी के खाते में भेजने के लिए डिजिटल का सहारा लेते हैं और ऑनलाइन ही पैसा अपने खाते से दूसरे के खाते में डालते हैं। लेकिन कभी सोचा है, अगर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त आपने गलत IFSC कोड डाल दिया तो क्या होगा? ट्रांजैक्शन करते वक्त IFSC कोड भरने के मामले में काफ़ी सावधानी बरतें। उदाहरण के तौर पर समझें कि आपका किसी बैंक के दिल्ली ब्रांच में है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते वक्त आपने उस बैंक के दिल्ली ब्रांच के IFSC कोड की जगह नोएडा के ब्रांच का IFSC कोड डाल दिया तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कोड के अक्षर में हेर फेर हो, लेकिन अकाउंट नंबर या डिटेल ठीक है तो भी आपका पैसा किसी और के खाते में चला जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से बैंक अकाउंट नंबर ही देखते हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम, समाचार फॉर मीडिया, भड़ास फॉर मीडिया, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।